हम फिर से आपको एक वीडियो दो जोड़ का शौक करवाते हैं शिवू भाई की छत पे। दोस्तों ये वही कबूतर है जो जिस पे हमारी शॉर्ट पे 9 मिलियन व्यूज़ गए थे, हमने पकड़ा था, हमने शिवू भाई को दे दिया था। और ये इसके साथ इन्होंने फुलसरी मादा लगाई है, बहुत अच्छी फुलसरी मादा भी है दोस्तों। मादा थोड़ी सी ढीली हो लग रही है। और हम आपको शौक करवाते हैं अलग अलग करके नर मादा का, इसके बारे में हमारे दोस्त ही बताएंगे दोस्तों, और कौन सी नस्ल है, क्या है, कैसा जोड़ा है। ठीक है, दिखाइए सब। देखिए फ्रेंड, दोस्तों आपको लोग पहले नर दिखाते हैं, नर का पल्ला तो फ्रेंड कैच आगे एक पर नहीं बता सकते। अगर आप इसकी आँख से शुरू करते हैं फ्रेंड, ये देखिए इसकी आँख जो है, जैसे पुखराजी जो है सहारनपुरियों में आँख होती थी फ्रेंड, इसकी वैसे ही आँख है। नूर देख लीजिए, एकदम सफ़ेद आँख रखी है, बिल्कुल महीन नूर है। और चोंच की तरफ जो नूर का झुकाव होता है फ्रेंड, उसी तरफ को चल रहा है फ्रेंड। इसका पल्ला देखिए आप लोग, ये देखिए बड़ी बगली है, हाई फ्लायर्स का जो पल्ला असल में होता है वही पल्ला लगा हुआ है, एकदम बिल्कुल फुल ब्लैक है। तो एक अच्छा ओवरऑल अच्छे कबूतरों में जो निशानियाँ होती हैं सारी इस कबूतर में मौजूद हैं फ्रेंड। और ये देखिए सुर्ख गहरे जामुनी पंजे हैं फ्रेंड्स। और इसकी टेल देख लीजिए, लंगोट कहाँ तक के जाके ख़त्म हो रही है देखिए फ्रेंड्स। पतली छोटी दुम का कबूतर है और बिल्कुल लाइट वेट कबूतर, ऐसा नहीं है कि हाथ में पकड़ें तो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा हो, बच्चे भरा रहा है कबूतर फ्रेंड, तो बहुत लाइट वेट कबूतर। और इसके देखिए जो असल चीज़ होती है, देखिए इसके लिए लाल लाल जौ आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए मैंने आपको दिखा नहीं, देखिए जो लाल लाल जौ होती है, जो पुराने अंबरसरों में मतलब से कबूतर आए हुए होते हैं उसमें ये लाल जौ ज़रूर आती है फ्रेंड। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, इसकी मादा दिखाते हैं फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड्स कबूतरी है, रामपुरी मादा है फ्रेंड्स। आँख देखिए पहले आप, ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद आँख, जैसे हम लोग ने नर की आँख है वैसे ही मादा की आँख सेलेक्ट करी है, और वैसे ही पल्ला, इसका पल्ला देखिए आगे का, मादा नर के पर तो आगे कैंच, मगर इसका पल्ला देखिए आप फ्रेंड्स, ये देखिए बड़ी बगल है, तीनों सलाई देख ली कहाँ जाके खड़ी हो रही है, दुम बंद दुम है ये देखिए फ्रेंड, दुम खोल के दिखाते हैं आपको, एक पत्ता ब्लैक है इसमें दुम का। ये देखिए पीछे की लंगोट देखिए कहाँ जा रही है, ये देखिए बिल्कुल लंगोट बिल्कुल नीचे से सूख गई है, बहुत अच्छी लगी हुई है। देखिए सुर्ख गुलाबी पंजे हैं और ब्लैक नाखून है इसके, काले पंजे नाखून है, ये देखिए माला पूरी। और जब इसमें इस नर का फ्रेंड्स जोड़ दिखाते हैं पूरी, ये देखिए पूरी जोड़ है फ्रेंड्स। जब इन दोनों के बच्चे निकल के आएंगे तो गहरे कलसीरे कल्लुम्बे बनेंगे और बहुत अच्छे रामपुरी बच्चे निकलेंगे दोनों में से। तो ये देखिए दोस्तों, जब इनसे जो बच्चा बन के आएगा फ्रेंड्स, रामपुरी बच्चे बनेंगे दोनों में और बहुत अच्छे कलर पे आएंगे, क्योंकि नर का जो ब्लैक गाटा सुनहरा गाटा हो, जब मादाओं में कलर घूमेगा तो बहुत अच्छे ओवरऑल फुलसरे कल्लुमे के बच्चे बनेंगे और अच्छे उड़ने वाले टैडी और रामपुरी क्रॉस जैसे आप कह लिए, बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे इनके। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छी ब्रीडर जोड़ हम लोग ने लगाई है फ्रेंड्स, जोड़ अच्छी जोड़ के हवाले से जो मुतालिक जो पहचान होती है जो कबूतरों में होना चाहिए, इन दोनों ही कबूतरों में मौजूद है फ्रेंड। तो अच्छी जोड़ फ्रेंड्स हम लोग ने लगाई, तो इनका बच्चों का रिजल्ट अगले साल हम लोग लेंगे इंशाल्लाह, अभी तो ये ब्रीड कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये जोड़ थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं फ्रेंड। तो फिर से मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। तो ये देखिए हाथ में नहीं रुक रहा है, छोड़ देते हैं इनको, परेशान हो रहे हैं कबूतर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फिर हमारे साथ।